अभी हम कृषि जागरण के लिए फार्मर दी जर्नलिस्ट के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम एक ऐसे आरएस में खड़े हैं जो उत्तर प्रदेश के बेस्ट आरएस के तौर पे जाना जाता है और इसमें रखी हुई मछलियां जो छोटे बच्चे हैं उनको तालाब में ट्रांसफर किया जा रहा है और उनको यहाँ से निकाल के तालाब में डाला जा रहा है। मछली को ट्रांसफर करते समय पानी में रख के ही ले आते हैं और इन्हें जब हम तालाब में बड़ी मछलियों को डालते हैं तो उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। और जब टैंक से इन्हें तालाब में लाया जाता है तो यहाँ पे जब हम इनको बायोमास के हिसाब से खाना देंगे इनका ग्रोथ बहुत तेज होता है और ये एक महीने डेढ़ महीने में ही 1 किलो के आसपास हो जाएंगी और उस समय मार्केट में मछली नहीं होती है और इनका अच्छा रेट बाजार में मिलता है। तो मत्स्य पालन में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आपके पास ईयरलिंग हो, 1 साल पुराने बच्चे हों और उन बच्चों को जब आप कल्चर में ले आते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती है। जब हम छोटे बच्चों को कल्चर में डालते हैं तो वहाँ पे हमारा फीड कंजम्पशन ज़्यादा होता है लेकिन जब बड़ी मछलियाँ होती हैं तो जो भी हम फीड देते हैं उसे डाइजेस्ट करती हैं और डाइजेशन सही होने की वजह से उनके शरीर में ग्रोथ भी होता है। तो मत्स्य पालन में सबसे जो खास बात है कि हमारे पास बड़े बच्चे ही तालाब में डालने चाहिए और उनका ठीक ढंग से अगर बायोमास के हिसाब से हम फीडिंग करते हैं। ये पंगासियस प्रजाति की मछली हैं जिनका ग्रोथ रेट बहुत तेज होता है लेकिन ये केवल फार्मुलेटेड फीड जो कंपनियों द्वारा बनाया जाता है उसको ही खाती हैं। ये तैरते हुए फ्लोटिंग फीड को ही केवल खाती हैं। अगर जो फीड तैरता नहीं रहेगा उसे ये नहीं ग्रहण करती और ये हाई प्रोटीन का फीड इनको दिया जाता है और ये फीड आज बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं जिसमें कि 32% 30% 28% प्रोटीन होता है, 5% 4% फैट होता है और इसमें ज़रूरी ग्रोथ प्रोमोटर्स डाले होते हैं जिसकी वजह से इस अमीनो एसिड की वजह से ही मछलियों का ग्रोथ होता है। तो ये मत्स्य पालन किसान की आय दूना करने में